नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना नवीन छलोत्रे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा संविधान वाला पोर्शन, जिसे हम पॉलिटी के नाम से भी जानते हैं। यह पोर्शन हर एग्ज़ाम में एक थोड़ा सा छोटा कह सकते हैं या बोल सकते हैं मॉडरेट, लेकिन रोल ज़रूर निभाता है। इसके क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में मिलेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। मेंस में तो खैर एक पेपर ही जो सेकंड नंबर का पेपर है एमपीपीएससी में, वो पूरा इसके लिए दिया गया है। यूपीएससी में भी दिया गया है, लेकिन जब हम सिंगल डे एग्ज़ाम देते हैं व्यापम वगैरह जैसी, उसमें भी ये चीज़ दी गई है। तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। और दूसरी बात कि संविधान जो है वो हमारा देश की पूरी व्यवस्था उसके ऊपर चल रही है, तो हमें उसके बारे में पता भी होना चाहिए। हमारे जो अधिकार हैं वो क्या क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या क्या हैं देश के लिए, वो सभी हमें कहाँ से पता लगते हैं? संविधान से। तो आज हम कौन सा सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं? संविधान। उसके अंतर्गत आज हम पहली जो संविधान की सबसे मूल चीज़ है वो है प्रस्तावना। यहाँ से क्वेश्चन भी अधिकतर आते रहते हैं, हर एग्ज़ाम में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाता है। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना ले रहे हैं। अब बात करें संविधान की प्रस्तावना की, ये किसी भी चीज़ की प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है? क्योंकि हमें प्रस्तावना पता होगी या उद्देशिका, इसे संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव भी कहा जाता है। उद्देशिका या उद्देश्य या संविधान की प्रस्तावना, सबका अर्थ एक ही होता है। तो अब ये कि उद्देशिका या प्रस्तावना का अर्थ क्या है, ठीक है? हम लोग एग्ज़ाम में जब निबंध वगैरह लिखते आ रहे हैं बचपन से, पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं सब में लिखा होगा, फेवरेट निबंध था विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान वरदान या सभी अभिशाप, वंडर ऑफ साइंस, महात्मा गांधी, माय फ्रेंड, एज ETC, बहुत सारे हम निबंध लिखते आ रहे हैं। तो अब क्या है कि जिसमें प्रस्तावना तो हम लोग लिखते थे, तो संविधान की प्रस्तावना है क्या? सबसे पहली बात तो संविधान की प्रस्तावना ये है कि यह हमारे निबंध की जो प्रस्तावना होती है कि हम आगे निबंध में पूरा लिखने क्या वाले हैं। निबंध में जो भी चीज़ आगे लिखने वाले हैं शुरू से लेके अंतिम तक, मान लीजिए हम निबंध में 10 पॉइंट लिख रहे हैं, तो एक से लेके 10 पॉइंट तक हम क्या क्या बातें उसमें समाहित करने वाले हैं, उसकी मूल बातें या मुख्य मुख्य बातें प्रस्तावना में आ जाती है। उसी प्रकार जो हमारा संविधान है, जब संविधान निर्माण की बात आई कि हमारा संविधान जो होगा वो किस प्रकार से होगा, कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल होगी, कौन कौन सी नहीं शामिल होगी, उसके उद्देश्य क्या होंगे, ठीक है, इसी बात को लेकर क्या हुआ कि जब संविधान सभा में वाद विवाद चल रहा था, संविधान सभा जिसके द्वारा हमारा संविधान का निर्माण किया गया है, तो वाद विवाद चल रहा था, तो अब बात यह आई कि संविधान के उद्देश्य क्या होंगे या हमारा संविधान आगे किस प्रकार से बनेगा। क्योंकि ये तो तय था कि संविधान बनाना है, सभी लोग बैठ भी गए। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हो गई कि संविधान बनाना है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बन गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब संविधान की बात ये कि उद्देश्य क्या रखे जाए, तो फिर थोड़ा सा इसमें संविधान का प्रस्तावना का इतिहास भी यही है कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ने कौन सी डेट थी, तो 13 दिसंबर 1946, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 इस दिन क्या है कि पूरी संविधान सभा के समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे ही उद्देशिका प्रस्ताव भी कहते हैं। उसी के आधार पर तय हुआ कि संविधान जब आगे बनेगा तो उसमें कौन कौन से उद्देश्य समाहित किए जाएंगे। तो ये उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष आ गया। अब इसके ऊपर चर्चा हुई, डिबेट हुई, वाद विवाद हुए, सभी ने अपने तर्क वितर्क ये सब चीज़ें रखी। इसी बात को लेकर जब अगली एक और डेट आती है जो हमें याद करनी है संविधान की प्रस्तावना से लेकर, वो है 22 जनवरी। ये जो डेट थी 22 जनवरी 1947, इस दिन इस उद्देश्य का प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था, उसे पूरे संविधान सभा ने, ठीक है, उसे 22 जनवरी 1947 को यहाँ पे स्वीकार कर लिया कि
कि ये हमारे संविधान के उद्देश्य होंगे और इनके आधार पर हम आगे कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से ये संविधान की प्रस्तावना का कुछ थोड़ा सा इतिहास भी है कहा जाता है, साथ ही कि उद्देश्य क्या होता है या प्रस्तावना क्या होती है उसका आंसर भी हमें यहीं से मिलता है कि संविधान की प्रस्तावना क्या होती है या प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है। तो अर्थ यही होता है कि हमारे आगे के संविधान में जो कौन कौन से उद्देश्य होंगे उन्हीं को एक छोटे से बात में या छोटी सी लाइन में रखना ही क्या कहलाया संविधान का अर्थ या उसके उद्देश्य। अब हम आगे बात करें, इतिहास में हमने बात करी कि इस आधार पर संविधान में प्रस्तावना आ गई, अब बात करें कि संविधान प्रस्तावना होनी चाहिए, ये बात कहाँ से मिली कि हमारे संविधान में प्रस्तावना होनी चाहिए। हम बोलते हैं प्रस्तावना में ये शब्द हैं, ये नहीं है, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, इतनी बार संशोधन किया गया, ये सब तो बातें हैं ठीक है, लेकिन ये प्रस्तावना हो ये कहाँ से हमें मिला है। तो इसका जब आंसर हम ढूंढने आते हैं तो हमें संविधान के स्रोत में बात करें तो एक देश का नाम आता है अमेरिका। अमेरिका, तो चूंकि अमेरिका का संविधान जो था उस संविधान में प्रस्तावना लिखित रूप में सबसे पहले लिखी गई और उसी देशों का अनुकरण करते हुए अनेक देशों ने लिखी थी, तो हमारा भारत भी उन्हीं अनेक देशों में से एक देश था जिसने ये तय किया कि हमारे संविधान में भी प्रस्तावना होनी चाहिए। कौन सा देश था? अमेरिका। इसने सबसे पहले अपने संविधान में प्रस्तावना लिखी, हमने भी उसी का अनुकरण किया। तो अब क्वेश्चन अभी ये आता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो ठीक है, वो कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है कि हम प्रस्तावना होनी चाहिए, तो उसका आंसर क्या बनेगा हमारा? अमेरिका। अब बात करें हम कि प्रस्तावना के, हमने बातें तो ले ली कि ऐसी एक प्रस्तावना होनी चाहिए, लेकिन उसकी भाषा क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए हम एक और देश चले, ऑस्ट्रेलिया। कि संविधान की प्रस्तावना की भाषा क्या होनी चाहिए, तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना की भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के देश के संविधान से ली है ठीक है। अनदर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से तैयार होता है कि जो प्रस्तावना की भाषा है वो किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ठीक है। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस भी लगातार तैयार होते जा रहे हैं साथ साथ में, जो अनेक एग्जाम्स में आए भी हैं और आने की संभावना भी है। कौन कौन से, जैसे कि उद्देश्य का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। किस डेट को रखा गया था, तो 13 दिसंबर 1946 का नाम आता है। उसे संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत कब किया गया था, तो फिर डेट आती है 22 जनवरी 1947। अब बात करें कि संविधान प्रस्तावना होनी चाहिए, ये किस देश के संविधान से हमने ग्रहण किया है, तो ये ग्रहण किया है अमेरिका से। जबकि इसकी भाषा क्या होनी चाहिए, हमारी जो प्रस्तावना है उसकी भाषा क्या होनी चाहिए, तो वो हमने ग्रहण की है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया नामक देश से ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो लगातार एग्जाम्स में आए भी हैं और आगे आते भी रहेंगे। इसी के आधार पर हम आगे थोड़ी सी बात करते हैं कि ये तो थे हमारे संविधान के स्रोत। अब हम बात करें कि संविधान की प्रस्तावना है क्या, तो ये आपका होमवर्क भी है, साथ ही आपको याद करनी पड़ेगी और अपनी कॉपी में भी लिखनी पड़ेगी ठीक है। मुझे भी याद है, जैसे मैं आपको बोल के बता देता हूँ कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, फिर जो ब्रैकेट में लिखी हुई है सब तिथि वाली बात, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारे संविधान की पूरी प्रस्तावना है। मैं आपसे याद करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा घूम के आ जाता है कि इनमें से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है या संविधान की प्रस्तावना में शामिल है, तो आपको सब रटी हुई चीज़ होगी ये, तो बहुत जल्दी इसका आंसर मिलेगा, नहीं तो हम ढूंढते रह जाएंगे या हमें मेन मेन शब्द तो फिर याद करने ही पड़ेंगे। तो ये हमारी संविधान की बात थी। अब प्रस्तावना की, अब हम बात करें प्रस्तावना में कि प्रस्तावना को हम
कुछ टुकड़ों में तोड़ के थोड़ा उसके मेन मेन शब्द जो है उनको पढ़ेंगे। कैसे? तो हम देखते हैं प्रस्तावना के तत्व। इसमें हमारे सभी मेन जो शब्द आते हैं किसमें? प्रस्तावना में, वो सभी पूरी तरह कंप्लीट हो जाएंगे। और ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे कई बार आ जाता है कि प्रस्तावना के उद्देश्य लिखिए। ठीक है, यह हमारी प्रस्तावना है या संविधान है, उसकी शक्ति कहाँ से मिल रही है उसे, वो सब उसके आंसर हमारे इन सभी चीज़ों में कवर हो जाएंगे। अर्थात मेंस के 3 नंबर के भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर होंगे। देखिए कैसा, तो हम बात करें, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, 4 भागों में। संविधान में सबसे पहले तो संविधान के या प्रस्तावना के अधिकार का स्रोत, ठीक, तो ये कौन है? भारत की जनता। ठीक, आगे हम बात करें कि हमारी प्रस्तावना के स्वरूप या प्रकृति कैसी है, तो किस प्रकार की है, तो वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अगली समाजवादी, अगला पंथ निरपेक्ष, अगला लोकतंत्र, अगला गणतंत्र। ठीक है, आगे हम बात करें कि हमारी प्रस्तावना के उद्देश्य क्या हैं। तो हमारी प्रस्तावना के उद्देश्य क्या हैं? तो सबसे पहले है न्याय, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा समानता। ठीक है, और आगे हम बात करें और क्या होंगे, तो है व्यक्ति की गरिमा, फिर राष्ट्र की एकता, एवं अखंडता, और कौन से शब्द हो सकते हैं, तो एक और बच गया हमारा, बंधुता, बंधुत्व। ठीक, अब एक और क्या मूल तत्व है हमारी प्रस्तावना का, तो एक और है इसके अंगीकार की तिथि। तो वो तिथि कौन सी है जो हमारी प्रस्तावना में लिखी गई है? 26 नवंबर 1949 AD। ठीक, तो ये हमारी संविधान की प्रस्तावना के कुछ मूल तत्व हैं, इन्हें ही हमें थोड़ा सा डीप में पढ़ना है। और यही क्वेश्चन आपका जो ये चीज़ें हैं, ये MPPSC मेंस में भी 3-3 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो उसके लिए भी आप बिल्कुल कॉपी में नोट करते चलिए, उसे ध्यान रखते चलिए। जैसे हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि संविधान की प्रस्तावना का अधिकार का स्रोत कहाँ से, या उसे अधिकार कहाँ से मिले, या संविधान को शक्ति कहाँ से मिली, तो उसका आंसर आता है संविधान की पहली लाइन के पहले वर्ड, हम भारत के लोग। ठीक है, ये जो लाइन है, हम भारत के लोग, मतलब ये संविधान की जो प्रस्तावना लिखी गई है, ये संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा तो लिखी गई है, लेकिन उन्हें शक्ति कहाँ से मिली थी? भारत के लोगों से। जिस प्रकार आज हम लोकसभा के लिए सदस्य चुनते हैं, हमें लोग, हमारी शक्ति जो है हम उन सदस्यों को देते हैं, और वही सदस्य फिर हमारे लिए संसद में कानून बनाते हैं, और उसी के आधार पर पूरा देश चलता है। तो उसी प्रकार कि जब संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे, तो भारत के प्रत्येक नागरिक ने अपनी जो शक्ति थी वो संविधान सभा के सदस्यों को दे दी गई थी, और उन सदस्यों ने
उसके आधार पर वाद विचार करके अपनी जो थी बुद्धि था, इसके बाद बात करें और तो अनेक देशों के संविधान से अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर एक अच्छे से संविधान का निर्माण कराया, जिसके ऊपर आज हमें गर्व है, क्योंकि आज हम आज़ादी के 72 साल के बाद भी एक सशक्त लोकतंत्र हैं। उससे साबित होता है कि हमारा संविधान बहुत अच्छा बनाया गया था और आगे भी चलता रहेगा इसी प्रकार। तो बात करें हम कि हमारे संविधान को या प्रस्तावना को शक्ति कहाँ से मिलती है, तो हमारे संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, भारत की जनता या भारत के लोग, वो चाहें तो इसमें संशोधन या बदलाव कर सकते हैं, ठीक कर ही तो रहे हैं। 100 से अधिक संशोधन हमारे संविधान में हो चुके हैं। किसके द्वारा किए गए, संसद के द्वारा। अब उन्हें वो शक्ति किसने दी थी, जनता ने। तो इस प्रकार हमारी जो शक्ति है संविधान की, वो किससे प्राप्त हो रही, संविधान को, जनता के द्वारा, ठीक। अगले हम शब्द की बात करें, हमारे एक जो शब्द है तो उस शब्द का नाम क्या है कि हमारी संविधान की या प्रस्तावना का स्वरूप या प्रकृति कैसी है, ठीक है। प्रस्तावना की बात हम क्या करके यहाँ पे करें, संविधान का, ठीक है, संविधान का स्वरूप या प्रकृति कैसी है। तो है सबसे पहले शब्द जो आता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या इसे हम संप्रभुता भी कह देते हैं। कई बार आप लोगों ने टीवी डिबेट में या फिर जो न्यूज़ वगैरह में या बड़े बड़े लोगों के मुँह से ये शब्द सुना होगा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है या प्रभुत्व संपन्न राज्य है या राष्ट्र है। तो उसका अर्थ क्या है भैया, तो उसका अर्थ ये होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का कि जैसे मान लीजिए क्या सही बात है कि जब 1947 में हमें आज़ादी मिलने से पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, है ना। तो वही हमारे सारे जो बड़े बड़े डिसीजन होते थे या निर्णय होते थे कौन लेते थे, अंग्रेज लोग लेते थे ना, वही तो लेते थे कि हम किस देश के साथ मैत्री स्थापित करेंगे, किस देश के साथ युद्ध करेंगे, किसके साथ हमारे विदेशी संबंध किस प्रकार के होंगे, ये सब कौन डिसाइड करता था। भारत में शासन किस प्रकार से चलेगा, कौन व्यक्ति कौन से पद पर बैठेगा, ये सब तय करने का अधिकार किसके पास था, ब्रिटिश लोगों के पास या ब्रिटेन की महारानी के पास, वो लोगों के पास अधिकार था। तो हम भारत के लोग उसमें कुछ कर पा रहे थे क्या, न अपनी राय दे पा रहे थे, न अपने निर्णय को लागू करवा पा रहे थे। तो जब हम भारत एक आज़ाद देश बना या आज़ाद मुल्क बना, कब, 15 अगस्त 1947 को, तो हमारा जब संविधान बनाया जा रहा था तो उसमें हमने घोषणा की कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा, जिसका अर्थ यह होता है कि भारत की जनता या भारत की सरकार, क्योंकि हमने जनता ने हमारी शक्ति किसको दी है, सरकार को, तो हमारी सरकार या हमारी जनता जो है वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, जो भी हमारे देश के लिए अच्छे होंगे या बुरे होंगे, किसी भी प्रकार निर्णय लेने के लिए हमारे देश की जनता और सरकार क्या है, स्वतंत्र है। कोई बाहरी शक्ति उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। मतलब आज ब्रिटेन या अमेरिका या पाकिस्तान या कोई सा भी ऐसा कोई देश हो दुनिया का, वो हमें यह नहीं कह सकता कि हमारी विदेश नीति क्या होगी, हमारी रक्षा नीति क्या होगी, हमारी परमाणु नीति क्या होगी। वो हमें या हमारी सरकार को ही निर्धारित करने का अधिकार है। वो इसलिए है क्योंकि हमारे पास किसी के दबाव में नहीं है और हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं। हमने घोषित किया है कि हमारा जो देश है वो क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु राष्ट्र। समझ में आया। अब हम चलते हैं अगले वर्ड की ओर, समाजवादी। समाजवाद का अर्थ क्या है, तो समाजवाद का अर्थ यह होता है कि योग्यता के आधार पर चयन, ठीक है, जिस भी व्यक्ति की जो योग्यता है उसके आधार पर उसका चयन हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति में कलेक्टर बनने की योग्यता है तो उस व्यक्ति को कलेक्टर का पद दिया जाए, मतलब वो कि जो भी एक पूरी प्रक्रिया होगी उसको फॉलो करते हुए उसे कलेक्टर का पद मिलेगा और उसी पद का जो वेतन है उस व्यक्ति को मिलना चाहिए। ये समाजवाद की एक छोटी सी डेफिनेशन कही जाती है कि योग्यता के आधार पर चयन और उस पद के अनुसार वेतन, ये क्या होता है, समाजवाद। लेकिन भारत में चूंकि मिश्रित समाजवाद अपनाया है, जो गांधीवादी और नेहरूवादी दोनों विचारधाराओं का समावेशन कहा गया है, जिसमें क्या है कि हमारा जो समाजवाद है उसमें गरीब, वंचित, शोषित, पिछड़े, इन सभी लोगों को क्या करा है, हमने क्या करा है, अधिकार दिए हैं और इन्हें हम जो अन्य लोग जो हैं जो कुछ मुख्य धारा में आ चुके हैं
तो उन्हीं जो गरीब शोषित वंचित जो पिछड़े लोग हैं उनको कुछ अधिकार देते हुए हम संविधान जो हमारे देश की या समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार हमारे देश में क्या है, मिश्रित समाजवाद है। ठीक, तो और ये जो है समाजवाद, मतलब इसमें क्या है हमारे समाजवाद में कि निजी तत्व भी विद्यमान है, साथ में सार्वजनिक तत्व या सरकारी क्षेत्र भी विद्यमान है। आपने देखा होगा बसें चल रही है, अभी सरकारी बसें भी चल रही है कुछ, जो सुविधाएं देती है हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। तो निजी क्षेत्र की बसें बंद हो गई क्या, वो भी चल रही है। तो इस प्रकार का समाजवाद है कि निजी क्षेत्र भी अपना कार्य करे और जो सरकारी क्षेत्र है वो भी अपना कार्य करे। और आगे हम बात करें रेलवे, भारतीय रेलवे सभी लोगों को ले जाने का कार्य कर रही है, उसमें समाजवाद का अर्थ इस प्रकार से देख सकते हैं हम लोग कि सभी प्रकार के डब्बे हैं, जो लोग अधिक कीमत दे सकते हैं वो अपना रिजर्वेशन करा लेते हैं, जो लोग इतनी कीमत नहीं दे सकते वो जनरल डिब्बे उनके लिए आरक्षित होते हैं वो उसमें चले जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे यहाँ सभी लोगों को समान मानते हुए सभी के लोगों के लिए सुविधाएं देने की बात कही गई, और यही क्या कहलाया हमारा, मिश्रित समाजवाद। अर्थात कि सभी लोग योग्यता के आधार पर चयन होता है हमारे यहाँ पे, सब एग्ज़ाम जो भी निकलती है सभी लोग फॉर्म भरते हैं, जो योग्य होते हैं वो चयनित कर लिए जाते हैं। अब मान लीजिए कि एक कलेक्टर कोई बन गया, ठीक है, अब उनकी आवश्यकता यदि कम वेतन की है या कोई बहुत रईस फैमिली से हैं वो, तो क्या वेतन नहीं लेंगे, लेकिन उन्हें उस पद का वेतन जरूर मिलता है। तो यही समाजवाद हमारा समाजवाद कहलाता है, क्या कि योग्यता के आधार पर चयन हो और पद के अनुसार वेतन की प्राप्ति हो, ये हमारा भारतीय समाजवाद है। और इसी में हमने अपनाया कौन से मॉडल को है, मिश्रित समाजवाद को, अर्थात जहाँ पे निजी तत्व भी शामिल हो और सरकारी तत्व भी शामिल हो, और जिसमें गरीब वंचित शोषित इन सभी लोगों को ध्यान रखते हुए नीतियाँ बनाई जाए और इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए। और ये जो वर्ड है समाजवादी, ये संविधान में या मूल संविधान में प्रस्तावना में शामिल नहीं था, तो फिर कब आया भैया, तो ये आया था 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ये जो वर्ड है ये संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। आगे हम थोड़ा वो बात भी देखेंगे कि किस विवाद में ये किस वाद के बाद भारतीय प्रस्तावना में या संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। अब अगला एक हम वर्ड देखते हैं पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष जो ये शब्द है ये भी संविधान की प्रस्तावना में मूल संविधान में शामिल नहीं था। ये कब जोड़ा गया, तो ये भी इसी समय जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, एक आपने कई बार वर्ड सुना होगा धर्म निरपेक्ष, अभी चुनाव वुनाव आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सुनोगे सांप्रदायिक, धर्म निरपेक्ष, सेक्युलर, कम्युनल, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष में क्या अंतर है भैया, तो धर्म निरपेक्ष का अर्थ ये होता है कि जो भारत देश है या कोई भी व्यक्ति है धर्म, या मान ली मैं धर्म निरपेक्ष हूँ, तो क्या है कि मैं सभी धर्मों को, जितने भी मेरे दोस्त होंगे अलग अलग धर्मों के होंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, अलग अलग धर्म के लोग जो दोस्त हैं मेरे, तो उन सभी को मैं समान भाव से देखूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इस धर्म के विशेष के तो आपको ज़्यादा मैं भाव दूंगा या सम्मान दूंगा, और आप इस विशेष धर्म के इसलिए मैं आपको अपमान करूंगा, ऐसा नहीं है, मैं सभी के लिए समान सम्मान की भावना रखूंगा, ये धर्म निरपेक्ष है। साथ ही सभी लोगों को अपने अपने जो धर्म का पालन करना है उसके लिए मैं स्वतंत्रता दूंगा कि आप जो भी जिस भी अनुसार अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं, जो भी आपकी पूजा की पद्धति हो उसके अनुसार पालन कीजिए। तो ये होता है धर्म निरपेक्ष। तो इसी प्रकार देश के लिए भी धर्म निरपेक्ष यही होता है कि सभी धर्मों को समान आदर भाव देना, सभी लोगों को समान अधिकार देना, और सभी किसी भी धर्म का विशेष का क्या बोलते हैं हित या अहित ना करना, मतलब राज्य विशेष का कोई धर्म नहीं होगा और सभी लोगों को वो क्या करेगा, आदर या सम्मान की भाव से देखेगा। तो ये होता है धर्म निरपेक्ष। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ये संविधान में लिखा गया है पंथ निरपेक्ष की। तो पंथ निरपेक्ष क्या बला है भैया, सोचिए सोचिए पंथ निरपेक्ष क्या बला है। तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ यह होता है कि हमारे संविधान में धर्म निरपेक्षता की बात तो की गई है कि हम किसी धर्म विशेष को बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं करेंगे, क्या बोलते हैं, प्रमोट नहीं करेंगे, हित और अहित ना करें नहीं करेंगे किसी का भी। लेकिन हम धर्म निरपेक्ष से भी थोड़ा आगे बढ़ गए, हमने पंथ तक की बात करी,
क्योंकि भारत क्या है, विविधता में एकता वाला देश है। बहुत सारी यहाँ पे जातियाँ हैं, भाषाएँ हैं, बोलियाँ हैं, धर्म भी हैं, पंथ भी है, अलग अलग विचारों को मानने वाले लोग भी हैं। तो पंथ का मतलब यही होता है कि किसी विचार विशेष को मानना, पंथ का अर्थ होता है किसी विचार को मानना। जिसे आपने नाम सुना होगा, जैसे कबीरपंथी अर्थात कबीरदास जी की जो विचारधारा थी या उनके जो वचन हैं या उनके जो दोहे हैं उन्हीं के आधार पर आचरण करना, उन्हें जीवन में अपना लेना, किसी धर्म विशेष को नहीं मानना, केवल लोग कबीरदास जी की बातों को ही फॉलो करते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन चल रहा है, जी रहे हैं। तो इस प्रकार के और भी कई हमारे यहाँ पे पंथ है, ठीक है, कई भी और पंथ हैं, कई लोग उन पंथों को मान रहे हैं, वैष्णव संप्रदाय, ठीक है, इस प्रकार के लोग जो हैं वो अपने पंथ को मान रहे हैं, अब धर्म नहीं है। तो इस प्रकार से तो फिर कह सकते थे वो लोग, या कहा भी होगा कि आप जो भारत के जो संविधान में हैं वो धर्म निरपेक्ष की बात कही गई लेकिन पंथ निरपेक्ष की बात नहीं कही गई, तो हमारे साथ क्या होता है, भेदभाव। तो हमारे संविधानविदों ने ये अच्छी चीज़ें की, ये मूल संविधान में तो नहीं थी लेकिन 1976 में इसको भी जोड़ा गया। तो इसमें ये कहा गया कि हम देखो धर्म निरपेक्ष तो है ही नहीं, हम सभी धर्मों को समान आदर के भाव से देखते हैं, लेकिन हम इससे भी आगे पंथ निरपेक्ष भी हैं कि हम किसी पंथ का भी अहित नहीं करेंगे, या हमारे देश का कोई धर्म और पंथ नहीं होगा, हमारा देश सभी के लिए समान होगा, ठीक है, मतलब हम सभी धर्मों को पंथों को समान भाव से देखेंगे, यही क्या होता है, पंथ निरपेक्षता, किसी एक के पक्ष में झुकाव नहीं होना। समझ में आया, ठीक, एक बार और देख लेते हैं पंथ निरपेक्ष क्या है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो देश है, हमारे देश का कोई भी विशेष धर्म नहीं होगा, देश सभी धर्मों को समान आदर भाव या की दृष्टि से देखेगा और किसी के लिए कोई विशेष उपबंध नहीं बनाएगा, किसी भी धर्म विशेष या पंथ विशेष के लिए कोई उपबंध नहीं बनाएगा, यही होता है पंथ निरपेक्ष। अब आगे हम बात करें लोकतंत्र। लोकतंत्र सबने सुना होगा, एक परिभाषा भी सुनते हम अब्राहम लिंकन की, लोकतंत्र क्या है, जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र है। बिल्कुल सही बात है, यही तो लोकतंत्र है, अमेरिका में भी लोकतंत्र है, हमारे यहाँ भी लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र है क्या, तो लोकतंत्र का अर्थ यह है कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को जब जनता अपनी शक्ति उनके हाथ में दे देती है और वही लोग मिलकर शासन चलाते हैं, तो यही क्या है, लोकतंत्र। सिंपल सी बात कि जनता ने चुनाव के द्वारा अपनी जो शक्ति थी वो किसी नेता विशेष को या जो उम्मीदवार उनकी तरफ से खड़े हुए थे उन्हें शक्ति दे दी, अब वो जो जीते हुए उम्मीदवार हैं वही लोग मिलके क्या शासन चला रहे हैं, यही क्या है, लोकतंत्र। कि जो सरकार है वो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, जैसे हमारे यहाँ पे अभी चुनाव आने वाले हैं 2019 में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो हम क्यों कह रहे हैं कि हमारी जनता अगली सरकार चुनेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, ठीक है। इसी प्रकार लोकतंत्र अमेरिका में भी है, लेकिन उनके लोकतंत्र और हमारे लोकतंत्र में क्या अंतर है, तो अंतर यह है कि एक लोकतंत्र होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। जैसे प्रत्यक्ष में क्या होता है कि जो भी शक्ति का उपयोग करने वाला सर्वोच्च व्यक्ति होगा, जैसे हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री है, ठीक, तो उनका जो चयन है वो कैसे होगा, जनता के द्वारा डायरेक्ट रूप से, जनता डायरेक्ट रूप से इलेक्शन में वोट करेगी और किसी व्यक्ति को चुन लेगी, आज से हमारे ये राष्ट्रपति हैं या ये प्रधानमंत्री है और ये देश को चलाएंगे। ये छोटे छोटे देशों में हो जाता है, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क वगैरह छोटे छोटे देश हैं, वहाँ पे हो सकता है, लेकिन हमारा भारत जो है इतना बड़ा देश है, विशाल देश है, अभी एक नया डाटा आया कि इतने करोड़ वोटर बढ़ गए, इतने सारे लोग वोट देंगे, अब इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हम, याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में आ जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, भारत, क्योंकि हमारे यहाँ पर मतदाता सबसे अधिक है, ठीक। तो एक होता है जो बताया था इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, उसका अर्थ ये होता है कि जो लोग होते हैं या जनता होती है या मन हो, ठीक है, तो ये कहलाता है गणतंत्र, कि देश का जो सर्वोच्च पद है वो वंशानुगत रूप से न भरा जाकर, मतलब राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, ऐसा न होकर क्या हो कि जनता के द्वारा चुनकर आए हुए व्यक्ति के द्वारा भरा जाए, तो उसे ही क्या कहते हैं, गणतंत्र, जो कि व्यवस्था भारत में है। इसीलिए हम मनाते हैं प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस,
मतलब क्या है कि यहाँ पे जनता का शासन है और जनता में से कोई एक व्यक्ति भी है जो सर्वोच्च पद पे जाने की योग्यता रखता है। हमारे सभी राष्ट्रपति को देख लीजिए, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग धर्मों से, ठीक है, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग धर्मों से, और अलग अलग व्यक्तित्व आए हैं, महिलाएं पुरुष सब आए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो बात है वो क्या कहलाता है कि गणतंत्र। तो हम क्या हैं, गणतांत्रिक देश भी हैं और लोकतांत्रिक देश भी हैं, इस बात को याद रखिएगा। दो क्वेश्चन बनते हैं, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं कि हम गणतांत्रिक देश हैं, नहीं, क्योंकि हम तो लोकतांत्रिक देश हैं। तो हमें उसका आंसर क्या लगाना है कि हम गणतांत्रिक भी हैं और लोकतांत्रिक भी हैं, ठीक है। अब आगे हम एक और वर्ड देखते हैं, हमारा जो सब प्रस्तावना के उद्देश्य हैं। एमपीपीएससी मेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ये थोड़ा सा घूम के आया था, लेकिन बात वही है कि संविधान के उद्देश्य क्या हैं, ठीक। तो हमारे संविधान के उद्देश्य भी यही हैं और प्रस्तावना के उद्देश्य भी यही है। क्या? सबसे पहले न्याय। तो न्याय क्या होता है, आपने देखा होगा, न्यायालय, न्याय का मंदिर, कोर्ट। तो न्याय क्या होता है, तो न्याय का अर्थ यही होता है कि सभी पक्षों को ध्यान रखते हुए, ठीक है, सही को सही और गलत को गलत कहा जाकर जो व्यक्ति निर्दोष है उसे सजा न दी जाए और जो व्यक्ति दोषी उसे क्या हो, सजा दी जाए। तो इस प्रकार कोर्ट में जज साहब न्याय करते हैं। तो अब बात करें कि पूरे देश के लिए न्याय क्या हो सकता है, क्योंकि प्रस्तावना में तो डाल दिया एक वर्ड न्याय, ठीक है, डाल दिया एक वर्ड। उसमें भी आगे जब हम प्रस्तावना पूरी पढ़ते हैं तो उसमें आता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो भैया न्याय तो डाल दिया, तो ये न्याय है क्या? तो संविधान के लिए या हमारे देश के लिए न्याय की बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना, ठीक है, वो समता में भी जाता है, लेकिन क्या है कि उससे किसी भी आधार पे किसी प्रकार से भेदभाव ना हो और सभी लोग एक समान रहे, ठीक है, एक समान रहे, यही क्या है, न्याय है कि जो भी चीज़ मिले वो सभी को बराबरी से मिले, सब क्या है, समान अधिकारी हो, यही न्याय है। हम बात करें सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय क्या है, क्या है कि सभी लोगों के साथ, या बोलते हैं कि कोई विशेषाधिकार ना हो, सब लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, एक जैसा व्यवहार किया जाए, ठीक है, कोई विशेषाधिकार वर्ग ना हो। ऐसा नहीं कि आप भैया इस जाति के हैं या इस मूल वंश के हैं या इस लिंग के हैं तो आपके साथ कुछ स्पेशल स्टेटस या आपको रुतबा दिया जाएगा, नहीं, देश की नज़रों में सभी लोग नागरिक हैं और सभी लोग समान हैं, ठीक है। तो इस प्रकार सामाजिक न्याय होता है। ऐसा नहीं कि आप इस जाति विशेष के हैं इसलिए आपको इस दुकान में नहीं जाने दिया जाएगा, या देश की जो संपत्ति है लाल किला है मान लीजिए तो वहाँ घूमने नहीं दिया जाएगा, या फिर हमारे जो रोड हैं या नदियों का पानी है या किसी और भी चीज़ को ले लो जो सरकारी चीज़ है उसको हम किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव रहित भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। इन सभी चीज़ों का भेदभाव रहित रूप से वितरण करना, ये सबको उपभोग करने देना ही क्या है, सामाजिक न्याय, कि किसी से किसी भी आधार पर, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्मस्थान, किसी भी आधार पर भेदभाव न हो, ये कहलाता है सामाजिक न्याय। अब बात करें हम किसकी, तो दूसरा न्याय कौन सा था, सामाजिक, क्या आता है, आर्थिक। तो आर्थिक न्याय की बात करें तो इसमें क्या है कि आर्थिक आधार पर जो भी चीज़ें हैं देश में उनका भेदभाव रहित वितरण हो, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे खदानें हैं, मिट्टी है, जलवायु है, जो भी चीज़ें गिट्टी वगैरह है, नदियाँ हैं, सभी का क्या हो, भेदभाव रहित वितरण हो, मतलब सभी लोगों का उस पर अधिकार हो। कोई भी खदान बिकती है यदि तो उसमें क्या होता है, बोली लगती है। ऐसा नहीं होता कि भैया आप आ गए तो आपको देते हैं, ये आप आ गए तो आपको देते हैं, नहीं, बोली लगती है। जो भी व्यक्ति उस बोली में अपनी बोली लगाता है, अधिक लगाता है, कम लगाता है, जैसा भी उनकी प्रोसेस होगी, तो वहाँ पे क्या होता है कि सबको मौका तो दिया गया ना, तो इस प्रकार वहाँ पे आर्थिक न्याय स्थापित होता है। जो देश की वैकेंसियाँ होती है, नौकरी होती है, जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिविल सर्विसेज की दे रहे हैं, व्यापम्स की दे रहे हैं, SSC दे रहे हैं, रेलवे वगैरह दे रहे हैं, तो उसमें क्या ऐसा कुछ भेदभाव होता है क्या, सभी को आर्थिक आजीविका के लिए समान अवसर मिलता है ना, इस प्रकार से। तो ये हमारा आर्थिक असमान, आर्थिक समानता या आर्थिक न्याय, ठीक। साथ ही क्या होता है कि संपत्ति, ये संपदा का एकत्रीकरण होता है, उसको भी रोकने की व्यवस्था भी की गई संविधान में। कैसे? तो कुछ लोगों को जब एक इनकम से ज़्यादा इनकम कमाने लग जाते हैं तो टैक्स लगता है, सरकार टैक्स लगाती ना, तो क्या है कि देश में आर्थिक न्याय की स्थापना करना। मान लीजिए
किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पैसा है या बहुत ज़्यादा उसकी इनकम हो रही है, तो उससे कुछ परसेंट पैसा लेकर जो गरीब व्यक्ति है या वंचित या शोषित या पिछड़ा व्यक्ति है, जो जिसकी इनकम ज़्यादा नहीं है, तो उनको क्या इनडायरेक्ट रूप से सरकार मदद कर देती है, इनडायरेक्ट रूप से सरकार मदद कर देती है, उन्हें 2-3 रुपये किलो में गेहूँ, चावल, सस्ती बिजली या केरोसिन या साबुन और भी जो चीज़ें हैं वो उन्हें प्रोवाइड कर देती है, ताकि धीरे से उसका भी स्टैंडर्ड ऊँचा हो और आर्थिक न्याय की समाज में स्थापना हो जाए। तो ये है हमारा आर्थिक न्याय। एक और हमारा वर्ड आता है न्याय में, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय में केवल एक छोटी सी बात इतनी सी है कि देश के हर व्यक्ति को हर चुनाव लड़ने का अधिकार है, साथ ही हर व्यक्ति को मतदाता के रूप में मतदान करने का भी अधिकार है। लेकिन शर्त क्या? वही कि जो वहाँ पे जो नियम दिए गए हैं उसको वो फॉलो करता हो या लागू करता हो। ऐसा नहीं कि अब कोई व्यक्ति की आयु 17 साल है, बोले हम मुझे भी वोट देना है क्योंकि मुझे क्या है, राजनीतिक न्याय या अधिकार मिला हुआ है। तो ऐसा नहीं हो सकता भैया मेरे, ठीक है। मैं बताया ना, शर्तें के साथ में लागू है चीज़ें। तो इस प्रकार हमारे देश में 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय में क्या है कि सभी से बिना भेदभाव के या भेदभाव रहित व्यवहार करना। आर्थिक न्याय में है कि आर्थिक चीज़ों का समान बंटवारा करना और संपत्ति या जो संपदा है उसके केंद्रीकरण को रोकना, उसका विकेंद्रीकरण करके सभी लोगों को मुख्यधारा में लाना। और राजनीतिक न्याय में क्या है, सभी लोगों को वोट का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार देना ही राजनीतिक न्याय कहलाता है। तो इस प्रकार हमारे ये 3 प्रकार के न्याय हैं। अगले हम बात करें तो स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता क्या है भैया, और परतंत्रता क्या है? परतंत्रता मतलब उसको बोलते हैं कि किसी ने हमको गुलाम बना के रखा हुआ है, और स्वतंत्रता ये होती है कि हम अपनी मन मर्जी के मालिक हैं, जो हम करना चाहते हैं वो कर लें, ठीक। तो क्या है स्वतंत्रता का अर्थ ये है, या अर्थ यह है कि लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होना। लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होना, साथ ही व्यक्तियों को उनके विकास के लिए जो बोलते हैं एक निश्चित अवसर प्रदान करना, यही क्या है हमारे लिए स्वतंत्रता। समझ में आया कि किसी भी प्रकार से उन्हें रोक टोक नहीं करना कि भैया रोक टोक कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके घर पे कोई नौकर है या गुलाम है, तो आप उसे बोलते ना कि रामू यहाँ चला जा, रामू ये कर ले, मतलब क्या है आपने उसकी स्वतंत्रता छीन ली है। वो व्यक्ति अपनी मनमर्जी से कुछ काम नहीं कर सकता, जबकि यदि वो स्वतंत्र होता तो रामू की जो इच्छा वो करता। उसे इच्छा होती कि आज मैं आइसक्रीम खा के आऊँगा, तो चले जाता आइसक्रीम खा के आ जाता। आज मुझे आराम करना है तो रामू दिन भर आराम करता, तो उसकी स्वतंत्रता थी। लेकिन यदि वो गुलाम हो गया तो वो परतंत्र हो गया, मतलब किसी के अधीन हो गया। तो हमारे संविधान ने भी क्या है बात की है, सभी की स्वतंत्रता की, कि भारत में कोई भी किसी को किसी प्रकार से परतंत्र या गुलाम नहीं रखेगा। सभी लोग क्या होंगे, स्वतंत्रता होगी उन्हें, और उन्हें के जो गतिविधियाँ होंगी उन्हें पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। सभी लोग अपने हिसाब से काम अच्छे से कर पाएंगे, जो व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक हो। तो स्वतंत्रता में कौन कौन सी स्वतंत्रता आती है भैया? तो उसमें आती है कौन कौन सी, बताओ 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 बताओ, लिखो कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन सी स्वतंत्रता की बात किसमें की गई है, हमारी प्रस्तावना में, ठीक है, लिखिए, बिल्कुल लिखिए। अब आगे हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद किसकी, समानता या समता की, ठीक। तो समता में क्या है कि किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना और सभी को एक ही दृष्टि से देखना या समान भाव से देखना, यही क्या है समानता या समता। भैया मेरे, हमारे जो मम्मी पापा होते हैं, ठीक है, माता पिता, वो सभी बच्चों को एक ही नज़र से देखते ना। यदि मान लीजिए खाने के लिए घर में अंगूर आए हैं तो बंटवारा कैसा होता, बिल्कुल बराबर बराबर। ऐसा नहीं होता ना कि ये छोटा है बेचारा तो इसको अपन ज़्यादा दे देते हैं, ये बड़ा है तो इसको थोड़ा कम देते हैं। क्या होता है, यदि 5 बच्चे हैं तो 5 अंगूर के अगर दाने होंगे तो सबको बराबर बराबर दिया जाएगा। इस प्रकार वो समानता रखते हैं, वैसा हमारा देश और संविधान भी हमारे सभी के लिए क्या रखता है, समानता, कि किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, न जाति के आधार पे, न मूल वंश के आधार पे, न लिंग के आधार पे, न जन्म स्थान के आधार पे, ठीक है। मतलब
किसी भी प्रकार का भेदभाव यहाँ पे नहीं होगा, न कार्यों में होगा न कार्य के बाहर होगा, और सरकार या देश की नज़र में सभी लोग क्या होंगे, समान होंगे। यही क्या है, समानता या समता। इसके लिए हमारे मूल अधिकारों में भी बात की गई है, जैसे आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, आर्टिकल 15 जो कहता है क्या कि धर्म जाति लिंग मूल वंश जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध या मना किया गया है, आर्टिकल 16 या 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समता, अर्थात नौकरियों में सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त होंगे, आर्टिकल 17 कहता है कि भेदभाव यदि होगा तो उसका हम मना ही करते हैं, रोकते हैं। इसी के आधार पर CRPA सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया गया है, ठीक है। 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत, या कुछ लोगों के पास उपाधियाँ होती थी पहले, राय बहादुर, सर, इस प्रकार की उपाधियाँ होती थी, जैसे हमारे गांधी जी को भी दी थी उन्होंने, कौन सी उपाधि लिखिए कमेंट बॉक्स में, अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो अब हमारा जो अगला वर्ड है या शब्द है कौन सा, व्यक्ति की गरिमा। तो व्यक्ति की गरिमा मतलब क्या है, हर व्यक्ति का एक सम्मान होता है, गरिमा होती है, बोलते ना सम्मान के लिए यहाँ पे ऐसा हो गया, ये सम्मान के लिए ऐसा हो गया। कई बार दुखद घटनाएं भी हमें सुनने में आती है कि सम्मान के लिए इस प्रकार की घटना हो गई, तो वो चीज़ें ठीक है। तो इसी को हमारे संविधान ने या भारत देश ने क्या कहा है कि हमारे भारतीय नागरिकों की जो गरिमा है उसके लिए देश के द्वारा कभी भी कोई प्रकार से अनादर नहीं किया जाएगा, ठीक है। उनके व्यक्तित्व विकास के लिए हमेशा कार्य किया जाएगा जिससे क्या हो, व्यक्ति की गरिमा बढ़े, सम्मान उनका समाज में बढ़े। क्या किया जाता है इसके लिए, तो बताया ना जिस प्रकार मैंने आपको आर्थिक न्याय में कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं या गरीब हैं उन्हें किसी भी प्रकार से सहायता देकर मुख्य धारा में लाना, उसकी गरिमा को ऊपर उठाना, इस प्रकार की जो बात कही गई है वो कौन सी कहानी से कही गई, व्यक्ति की गरिमा के लिए। गरिमा मतलब सम्मान, कि व्यक्ति धीरे से ऊपर उठे, सभी लोग एक समान स्तर पर आ सके, ठीक। और क्या है कि हमारे देश के द्वारा या संविधान के द्वारा व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए आवश्यक दशाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी, यही किस में आता है, व्यक्ति की गरिमा में, ठीक है। अब अगला जो हमारा वर्ड है कौन सा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है। तो राष्ट्र की एकता क्या है, तो राष्ट्र की एकता जो है वो हमारे सभी नागरिकों के लिए एक मनोवैज्ञानिक विचार है, ठीक है, कि हम सब लोग एक हैं। जिस प्रकार से अभी एक आतंकवादी घटना हुई थी उसके बाद हम सभी भारतीयों ने जो रिएक्ट किया, जिस प्रकार से सरकार के ऊपर दबाव भी बनाया सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपनी अपनी आवाज़ जो थी सरकार तक पहुँचाई धरना प्रदर्शन करके, तो ये क्या बात थी कि घटना एक भारत के एक हिस्से में हुई थी, ठीक है, हमारी सेना के ऊपर घटना हुई, तो लोगों में क्या हुआ, एकता की भावना जगी कि कोई किसी दूसरे देश का एक संगठन आके हमारे लोगों को कैसे कुछ कर सकता है, ठीक है, हमारे तो लोग हैं वो, हम सब भारतीय भाई बहन हैं, तो हमारे लोग जब वो हैं तो कोई दूसरा देश कैसे उनके ऊपर कुछ करके हमला कर सकता है। तो इस प्रकार की जब बात आई, तो देश की जब बात आई तो हम सब लोग क्या हो गए, एक हो गए, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, ठीक है, किसी भी जाति धर्म के लोग हो, किसी भी प्रांत के लोग हो, किसी भी राज्य के लोग हो, कोई भी बोली बोलने वाले लोग हो, अमीर हो गरीब हो, सभी लोगों ने मिलकर क्या करा, एक सुर में कहा कि ये घटना सही नहीं है और भारत को इसका जवाब देना चाहिए। तो भारत ने भी क्या करा, करारा जवाब दिया। तो इस प्रकार की जो भावना थी कि हम सब लोग या पूरे भारत के नागरिक जो हैं वो क्या हैं, सब एक हैं, क्या हैं, एक हैं। तो ये जो एकता जो है हमारी एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है या भाव है जो हम सब लोगों को आपस में बांध के रखता है कि जब भी देश के ऊपर कोई बात आएगी तो हम सब लोग क्या हैं, एक हैं, देश के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, ठीक। अगला एक जो वर्ड है हमारा अखंडता, तो अखंडता का अर्थ है इस प्रकार है कि हमारी जो भौगोलिक संरचना है भारत की, जो 32 लाख से ऊपर वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल हमारे पास है, जो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो हमारी सीमा है, ठीक है, तो इतनी बड़ी सीमा जो है हम सब लोग या हमारे सारी जो भूमि है वो एक है, वो खंड खंड नहीं हो सकती, वो अखंड भूमि है। अर्थात मान लीजिए कुछ लोग आके कहें कि ये जो हिस्सा है वो हमारा है, हम ही इसमें रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, ठीक है, और हमको एक अलग देश बनाना है, जैसे खालिस्तान की मांग उठती है, ठीक है, कभी तमिल वाले लोग कहते हैं, कभी
पूर्वोत्तर के लोग कहते हैं हमको हमारा देश चाहिए अलग, तो हमारे देश को अलग हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम एक अखंड राज्य हैं, अर्थात भारत जो है एक अखंड राज्य है, अखंड भूमि है। इसमें से किसी भी प्रकार से कोई भूमि का टुकड़ा खंडित नहीं किया जाएगा और न किसी दूसरे देश को दिया जाएगा। ठीक है, यदि किसी को अलग होना है तो जा सकता है, लेकिन भूमि नहीं दी जाएगी। यही क्या कहता है भारत की अखंडता। ठीक, इसको लेकर कई बार विवाद भी होते रहते हैं, लेकिन हमारा जो भारत है वो क्या है? अखंड राज्य। क्यों? क्योंकि भारत की जनता ने कहा है। प्रस्तावना की जो शक्ति हो कहाँ से? भारत की जनता से या भारत के लोगों से। तो अखंडता का अर्थ यह है कि सभी जो पूरी भारत की भूमि है या भौगोलिक जो क्षेत्र है वो कभी भी किसी राष्ट्र को या देश को या किसी को भी नहीं दिया जाएगा। हम एक अखंड राज्य हैं। एक और वर्ड है बंधुता। ठीक, तो बंधुता का मतलब क्या है कि हम सभी लोग भारत के भाई जो लोग हैं वो सभी आपस में मिलजुल के भाईचारे के साथ रहें। ठीक है, सभी लोग आपस में प्रेम भाव के साथ रहें, यही क्या है? बंधुता है। यह भी एक मनोवैज्ञानिक विचार है कि हम सब लोग भाई बहन की तरह मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाएं। ठीक है, यदि कहीं दुख होता है तो हम सब लोग साथ हो जाते हैं। जैसे केरल में बाढ़ आई थी तो पूरे देश ने पैसा इकट्ठा करके डोनेट किया ना, ये क्या थी? हमारी बंधुता थी कि यदि एक भाई को यदि कोई समस्या होगी तो दूसरा भाई उसकी मदद करेगा। ये बात हमारे संविधान में भी लिखी गई है बंधुता की। तो आप सभी लोग भी बिल्कुल आपस में मिलजुल के रहें, इस प्रकार से कूटनीतिक व्यवहार न करें। ठीक, तो हमारा एक वर्ड था बंधुता। तो ये हमारी संविधान की जो प्रस्तावना थी उसके मूल कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे। इनको एक बार हम थोड़े से शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं केवल, कि संविधान की प्रस्तावना का स्रोत या शक्ति कहाँ से मिल रही है? देश की जनता से। इसकी संविधान के स्वरूप या प्रकृति में कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणतंत्र या गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यह है कि भारत जो है अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, कोई अन्य देश उसके ऊपर क्या राज नहीं कर रहा है। ठीक, अगला जो है समाजवादी, इसका अर्थ यह है कि सभी लोग अपनी योग्यता के अनुसार पद प्राप्त करने के लिए क्या है? योग्य हैं। ठीक है, अगला पंथ निरपेक्ष, इसका अर्थ है कि भारत देश का कोई धर्म या पंथ नहीं होगा, सभी धर्म पंथ भारत के लिए एक समान होंगे। अगला लोकतंत्र, इसका अर्थ क्या है कि जो हमारी शासन करने वाली संस्था है या सरकार है उनका चयन किस प्रकार से किया जाएगा? तो जनता के द्वारा अपने में से कुछ लोगों का चयन किया जाएगा, वही क्या है हमारे ऊपर शासन करेंगे। अगला गणतंत्र, इसका अर्थ यह है कि देश का जो सर्वोच्च पद है वो वंशानुगत न होकर सभी के लिए ओपन या खुला होगा, कोई भी भारतीय वहाँ पर जाने के लिए स्वतंत्र होगा। अगला जो ये जो भाग है ये क्या है? प्रस्तावना के उद्देश्य या हमारे संविधान के उद्देश्य, जिसमें पहला शब्द आता है न्याय। इसका अर्थ है सभी के साथ भेदभाव रहित वातावरण की स्थापना करना। स्वतंत्रता, कि सभी को अपने जीवन यापन के लिए अपने जीवन को उच्च बनाने के लिए क्या है बिना रोक टोक के काम करने देना या आज़ादी देना। समानता क्या है कि सभी लोग संविधान की दृष्टि में या भारत की दृष्टि में या राज्य की दृष्टि में क्या होंगे? समान होंगे। अगला व्यक्ति की गरिमा, मतलब राज्य जो है व्यक्ति की गरिमा को उठाने का प्रयास करेगा। राष्ट्र की एकता, हम सभी लोग एक रहेंगे और भारत को एक बनाकर रखेंगे, ये भाव है अखंडता। कि हम भारत को एक इंच भूमि या भारत की एक इंच भूमि भी किसी दूसरे राष्ट्र को या राज्य को नहीं देंगे, ये अखंडता का भाव है। अगला बंधुता, तो यह भी मनोवैज्ञानिक भाव है जिसमें सभी भाई बहन सभी भारतवासी जो हैं मिलकर भाईचारे के साथ रहेंगे। ये हमारे संविधान के कुछ मूल या बोल सकते हैं महत्वपूर्ण शब्द है जिनका मैंने आपको अर्थ बताया। ये आपके प्री में आने वाले क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का, साथ ही मेंस में 3-3 नंबर के लिए आने वाले क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन उठते हैं भैया। आप लोग देखना पुराने पेपर्स को, वहाँ पर आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। ठीक, अब हम थोड़ा और आगे बात करें कि हमने लिखा है इसमें अंगीकार की तिथि। इसका अर्थ यह है कि हमारे संविधान को भारत के लोगों के द्वारा अंगीकार या अंगीकृत कब किया गया था, तो वो तिथि दी गई है 26 नवंबर 1949, मतलब इसके द्वारा हमें आत्मार्पित मतलब स्वयं को अर्पित कर लिया, अंगीकार मतलब हमने अपना लिया। ठीक है, तो ये बात जो है कब की तिथि है अंगीकार की, ये। लेकिन संविधान लागू कब हुआ,
जब 26 नवंबर 1949 को ये बन गया तो लागू कब हुआ, तो ये लागू हुआ था 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 26th of January 1950 को, ठीक है। इसीलिए हम प्रतिवर्ष उस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे, हैप्पी रिपब्लिक डे बोल के हम दूसरों को क्या करते हैं, बधाई देते ना, उसी प्रकार तो उस दिन हमारे यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। बन तो कब गया था, 26 नवंबर 1949 या 1949 को, लेकिन 2 महीने का इंतजार क्यों किया, ये बात भी है ना कि जब बन गया था तो 2 महीने का इंतजार हमने क्यों किया, तो वो इसलिए किया था कि 26 जनवरी 1930 ठीक है को हमने लाहौर में, या कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर में रावी नदी के किनारे क्या किया था, पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाने की घोषणा की थी कि हम 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाएंगे और हर वर्ष 26 जनवरी को स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। तो उसी तिथि को याद रखने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया, ठीक है। हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं, इसमें जो एकदम केस भी पढ़ते हैं या बोलते हैं महत्वपूर्ण, इसे वाद कहा जाता है, ठीक है। वाद का मतलब क्या होता है भैया, वाद का मतलब अरे केस, ठीक। तो हम बोलते हैं वाद, अब ये वाद उठे क्यों, तो ये वाद उठे थे इसलिए कि समय समय पे कुछ ना कुछ समस्याएं आती रही, तो उसको लेकर जो लोग थे वो कोर्ट की शरण में जाते रहे कि भैया ऐसा तो ऐसा क्यों, ऐसा तो ऐसा क्यों। तो जो ये फिर बाद में वहाँ से बात उठी कि संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है या नहीं है, ठीक है। अंग है नहीं मतलब अंग होगी तो मतलब ये कि संविधान में कि जैसे अन्य भाग है ना, भाग एक, भाग दो, भाग तीन, इस प्रकार से उसी प्रकार से प्रस्तावना भी एक भाग है, इसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कह दे कि संविधान का अंग नहीं है, मतलब क्या है ये अलग से है, तो क्या होगा, इसमें संशोधन फिर नहीं हो पाएगा। तो इसी को लेकर फिर क्या हुआ कि केस पहला कैसा आता है, बेरुवाड़ी, बनाम भारत संघ 1960 में। तो इस केस में भी यही बात उठी कि हमारी जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है ये नहीं है, बेरुवाड़ी भूमि थी उसी को लेकर विवाद हो गया। तो अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में यह निर्णय दिया कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान का अंग नहीं है, मतलब संविधान का अंग नहीं है अर्थात मतलब संविधान की जो भाग है, भावी भाग है उसमें एक भाग ये जो नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। आपके लिए एक क्वेश्चन है जो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि संविधान में संशोधन का अधिकार किसे है, ठीक है, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, या इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जो बेरुवाड़ी केस था 1960 में, इसमें यह बात कही गई कि भैया जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है और उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ये भी लिख देता हूं मैं कि संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक। लेकिन कुछ ही दिनों बाद, दिन तो नहीं बोल सकते, साल बोल सकते हैं कि साल 1973 में, 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस कौन सा राज्य, तो राज्य है केरल राज्य, एक केस आया था, ठीक है। इस केस का बड़ी चर्चा होती है इसलिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा। इस केस के दो महत्वपूर्ण तथ्य ये भी हैं कि इसी केस में सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास की, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की सबसे बड़ी संविधान पीठ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ठीक है, कितने जजों की
तो 13 जजों की बनी थी। कौन से केस में? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक, इसी जो केस था इसमें सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच कॉन्स्टिट्यूशन बेंच या संविधान पीठ 13 जजों की बनी थी। एक क्वेश्चन आ चुका है ये, और एक क्वेश्चन ये भी आया है कि ये पहले नंबर पे थी तो दूसरी सबसे बड़ी बेंच कब बनी, दूसरी सबसे बड़ी बेंच कब थी, तो वो थी 1967 के गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। इस केस में दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ जो संविधान पीठ जो थी वो बनी गई थी। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस कौन से केस में बनाई गई, 1967 गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य या गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तो इस केस में इसको बना दी गई। अब मैं हमारी बात शुरू हुई थी यहाँ से 1973 के केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य से, तो वो जो फैसला बेरुवाड़ी केस में आया था उसी को यहाँ पे क्या हुआ आधार बनाकर और एकाद और बात कह के वो एक नया केस आ गया। तो इस केस में हुआ ये कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का अंग क्या है या नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग है, ठीक है, और उसमें संशोधन किया जा सकता है। इसी के आधार पर 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। ठीक है, केस आया 73 में, ठीक है, 42 अमेंडमेंट हुआ कब, यह संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में, और यहाँ पे तीन नए वर्ड जोड़े गए, कौन कौन सा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक, ये तीन वर्ड हमने कहाँ जोड़ दिए, संविधान की प्रस्तावना में। उससे पहले ये वर्ड संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये वाला कि समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया, अखंडता कब जोड़ा गया, या 42वां संविधान संशोधन 42 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1976 वो किससे रिलेटेड है, इस टाइप से क्वेश्चन आ चुका है। अब हम बात करें आगे थोड़ी सी कि एक और क्वेश्चन आया था, या एक और क्वेश्चन नहीं बोल सकते इसे हम, कि एक और केस आया कब, 1995 में LIC, नाम सुना होगा आपने LIC, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, है ना, वो ये ना, मतलब किसी LIC वाले के साथ बैठ जाओ तो बिल्कुल ऐसा लगता है अच्छा सब चीज़ें इतने इतने प्लान बताए थे, और फिर आखिरी में ये समझ में आता है कुल मिला के कि अपने जीने से ज़्यादा मरना इम्पोर्टेंट है, जब ही तो आप मर जाएंगे तो आप नहीं रहेंगे तो इतने करोड़ रुपये मिलेंगे फैमिली को, इतने मिलेंगे, इतने मिलेंगे, अरे भैया जीने वाला तो बताओ, ठीक है, कि जिएंगे तो कितने मिलेंगे। ठीक है, चलो ये पार्ट ऑफ जोक था, खैर सीरियस मत लेना इसे। तो हम बात करें कि LIC वर्सेस भारत राज्य या यूनियन ऑफ स्टेट या भारत संघ, ठीक है, ये केस आया। इसमें भी ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जो निर्णय था कौन सा, कि संविधान जो है वो प्रस्तावना का अंग बताओ, है वो संशोधन किया जा सकता है। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण केस थे जो संविधान से जुड़कर या प्रस्तावना से जुड़कर आए थे। उसमें से हमें कौन सा केस सबसे ज़्यादा याद रखना है, ये 1973 का केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला या केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, क्योंकि इस केस में ही क्या हुआ था कि एक तो संविधान मतलब सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की सबसे बड़ी संविधान पीठ 13 जजों की बनाई गई थी, दूसरा इसमें एक और फैक्ट ये हो रहा है कि सबसे लंबा चलने वाला जो वाद था जिसकी सुनवाई सबसे लंबे समय तक हुई वो यही केस था, मतलब जो बैठकें हुई सबसे ज़्यादा हुई थी वो इसी में। तो एक नया फैक्ट यहाँ से ये भी मिलता है, ये क्वेश्चन आ चुका है क्या, कि सबसे लंबे चलने वाला केस यही केस था। और इस केस में एक और महत्वपूर्ण बात आई थी
कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये कहा गया कि संविधान का फंडामेंटल स्ट्रक्चर या मूल ढांचे का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर या मूल ढांचे का सिद्धांत, वह इसी केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया था। अब यह मूल ढांचा क्या है? तो मूल ढांचा यह है कि जैसे हमारे घर में मकान हम बनाते हैं तो न्यू बनाते हैं तो कुछ कॉलम वगैरह देते ना, इसे खड्डे किए, फिर सरिये वरिये डाले, फिर कॉलम दिया, तो इस प्रकार से हम करते हैं। तो उसी प्रकार क्या है कि उसके ऊपर हमारी इमारत खड़ी होती है। हम संविधान में देखें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना यह है कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें कुछ तत्व ऐसे हैं कि यदि हम इसको संविधान से अलग कर देंगे या इनमें संशोधन करके इनको हटा देंगे तो हमारा संविधान क्या जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे प्रस्तावना, न्याय व्यवस्था, लोकतंत्र, गणतंत्र, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, स्वतंत्र चुनाव आयोग, ऐसे कई सारे तत्व ऐसे संविधान में हैं कि यदि इनको संविधान से हटा दिया गया तो संविधान में कोई मतलब नहीं रह जाएगा या संविधान का कोई काम नहीं रह जाएगा। तो यही जो सिद्धांत क्या कहलाता है, संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत या फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ या फंडामेंटल स्ट्रक्चर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये कहाँ कौन से केस से आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इस केस में ये सिद्धांत आया था। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, ये महत्वपूर्ण केस हो जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा। आगे हम बात करें थोड़ा सा विविध की। ठीक है, विविध या मिसलेनियस, प्रस्तावना से जुड़े हुए मिसलेनियस हो सकता है, जिसे देखते हैं। पहला कि हमारे जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्र जैसे जो शब्द हैं वो हमने किस देश के संविधान से लिए हैं। ठीक है, तो विविध में हमें ये लिखना है कि ये जो वर्ड हैं स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्र, ये हमने फ्रांस देश के संविधान से लिए हैं। जबकि जो प्रस्तावना में न्याय और समाजवाद दो वर्ड आए थे, न्याय और समाजवादी, ये हमने लिया है, वो कहाँ से लिया है, तो हमने लिया है रूस देश से, रूस, USSR। ठीक, तो ये दो हमारे एक फैक्ट बन जाते हैं। हमने अभी तक केवल दो देशों की बात की थी, एक अमेरिका, एक ऑस्ट्रेलिया, एक अब बात कर रहे हैं फ्रांस की और रशिया की। तो इस प्रकार से चार देशों की चीज़ें समाहित हो जाती हैं हमारे प्रस्तावनाओं में। तो ये दो क्या हो जाते हैं, विविध या मिसलेनियस बन जाते हैं। इसके बाद हम बात करें कि जब सर्वोच्च न्यायालय को कोई भी संविधान में समस्या आती है तो कहाँ देखता है, तो उसके लिए मार्गदर्शक का काम करती है कौन, हमारी प्रस्तावना। यहीं पर वो देखता है कि इस सिद्धांत केस में कौन से सिद्धांत का हनन हो रहा है, न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समानता हो रही कि नहीं हो रही। इसलिए क्या करते हैं, वो लोग हमेशा प्रस्तावना को देखते हैं। ठीक, और KM मुंशी ने क्या कहा है, एक सेंटेंस कहा है कि ये क्या है, राजनीति की जन्मपत्री है। ठीक है, देश की राजनीति की जन्मपत्री है। जबकि जो हमारे NA पालकीवाला साहब है, उन्होंने बोला कि संविधान जो प्रस्तावना है संविधान की, वो हमारे पूरे संविधान का क्या है, परिचय पत्र, मतलब आइडेंटिटी कार्ड। आपको पूरा संविधान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि संविधान के अंदर आपको क्या मिलेगा, अगर वो ढूंढना हो तो केवल प्रस्तावना पढ़ लो, अंदर सब जो जो चीज़ें होगी आपको बाहर पता लग जाएगी। हमारे आइडेंटिटी कार्ड में क्या होता है, हमारे बारे में पूरी जानकारी होती है, नाम, पापा का नाम, इसके बाद प्लेस, हम कहाँ से हैं, हमारी डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप वगैरह सब कुछ। तो उसी प्रकार क्या है कि हमारा संविधान का परिचय पत्र या आइडेंटिटी कार्ड है, जिसमें पता होता है, ये बताते हैं कि हमारे संविधान के अंदर क्या क्या मिलेगा। तो ये जो कुछ फैक्ट है हमारे विविध या मिसलेनियस के रूप में हम देखते हैं, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो ये जो है संविधान की प्रस्तावना से जुड़े मैंने आपसे महत्वपूर्ण सभी चीज़ें इसमें डिस्कस की है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आए हुए भी हैं और आने की संभावना भी है। जैसे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, पहला कि संविधान का जो प्रस्ताव है वो किसने रखा, कब स्वीकार किया गया। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा किस देश की है, प्रस्तावना कंसेप्ट किस देश से लिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है प्रस्तावना में समाहित है या नहीं है, संविधान की प्रस्तावना में कौन सी तिथि लिखी गई है, उसमें न्याय शब्द का वर्णन है या नहीं है, है तो कितने प्रकार का न्याय दिया गया है, बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकते हैं और बने भी हैं।
इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको प्रस्तावना उठाया संविधान में, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको निसंदेह बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। इसीलिए मैं आप जो आप आगे स्लाइड देखेंगे उसमें कुछ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक, उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। उसको अच्छे से पूरी प्रस्तावना को मैंने समझाया है, उसी आधार पर कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं जो किसी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, उन्हें आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।